वागोड़िया तालुका के अमलियारा गांव में 5 महीने पहले 19 साल की लड़की की हुई रहस्यमय मौत पर परिवार ने आशंका जताते हुए आज आक्रोश रूपी पुलिस भवन में मोर्चा निकाला गया, जिसमें शिकायत दर्ज करने पर पुलिस अधिकारी द्वारा उद्दतापूर्ण बर्ताव करने के भी गंभीर आरोप लगाए थे। मिली जानकारी के आधार पर वागोड़िया तालुका के अमलियारा गांव में रहती वैसी 19 साल की लड़की की 5 महीनों पहले कैनाल में डूब जाने के कारण मौत हुई थी। तो वहीं 19 साल की लड़की की मौत पर रहस्यमय आशंका जताते हुए पुनः जांच की मांग करते हुए परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है, जहां आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस भवन में आक्रोश रूपी मोर्चा निकाला गया। यहाँ तक की इंचार्ज सीपी द्वारा शिकायत दर्ज करने पर उद्दतापूर्ण बर्ताव करने के भी परिवार तथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर आज पुलिस भवन में आक्रोश रूपी मोर्चा निकालते हुए हाय हाय के नारे लगाए गए। 19 साल की प्रेरणा खरकपाल शर्मा सयाजीपुरा स्थित निर्मल फूड प्रोडक्शन कंपनी में नौकरी करती थी। 20 मार्च 2023 के दिन वो नौकरी पर गई थी। देर शाम तक घर वापस नहीं आते हुए परिवार ने 21 तारीख को बापुर पुलिस थाने लापता होने की अर्जी की। दौरान 23 मार्च के दिन भी लाश वडोदरा के स्थित छानी कैनाल से बरामद की गई। पुलिस ने प्रेरणा की डूब जाने के कारण मौत होने के चलते गुनाह दर्ज किया था। ऐसे में परिवार ने प्रेरणा शर्मा की मौत डूबने के लिए नहीं, लेकिन हत्या कर लाश फेंक देने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुनः जांच की मांग की थी। परिवार ने मृत्यु हुई वैसी लड़की को न्याय दिलाने के लिए यहां से वहां भटककर काफी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इसे कोई भी न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे में मार्च 2023 के दिन प्रेरणा को निमेटा स्थित रहता वैसा अभय कमल पलास वागोड़िया तालुका के मुरलीपुरा गांव से कैनाल के पास ले गया था और तीसरे दिन प्रेरणा की छानी कैनाल से लाश बरामद की गई। ऐसे में परिवार ने कहीं ना कहीं प्रेरणा की हत्या कर उसी की लाश फेंक देने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुनः जांच की मांग की है, जहां संबंधित अधिकारी पुलिस अधिकारी सहित राज्य के मुख्यमंत्री गृह मंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को संबोधित राष्ट्रीय महिला आयोग को भी लिखित में रजूआत कर वे थक चुके हैं, जहां एक ही मांग प्रेरणा को न्याय दिया जाए वैसी मांग करते हुए पुनः जांच की मांग की गई है। तो वही पुलिस द्वारा इस संदर्भ में उद्दतापूर्ण बर्ताव करने के भी गंभीर आरोप लगाते हुए आज इंचार्ज सीपी को रजूआत करने गए थे, लेकिन इंचार्ज सीपी द्वारा परिवार तथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उद्दतापूर्ण यानी कि गैर बर्ताव करने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारी को उच्च होद्दा और वडोदरा के लायक नहीं होने की नाराजगी व्यक्त की थी। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मेरी बहन छोटी उसका नाम प्रेरणा शर्मा था। वो 20 मार्च को कंपनी में नौकरी गई थी निर्मल फूड प्रोडक्ट सयाजीपुरा गांव में। वहां से शाम को 5:30 बजे अभय नाम का व्यक्ति उसको लेके गया था कैनल पे, और कैनल पे लेके गया था। उस बाद उन दोनों का कुछ पता नहीं है। 23 मार्च को मेरी बहन की लाश मिली छानी कैनल में से पानी के अंदर से। पुलिस वाले बताते कि वो कैनल में फोन लेने के लिए गई थी तो गिर गई, उससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन 3 दिन तक बॉडी पानी में रहेगी तो वो कितना फूल जाती है पता है ना आपको, 3 दिन तक बॉडी पानी में रहेगी तो कितना फूलेगी, लेकिन बॉडी बिल्कुल नहीं फूली हुई है। पूरे उसके मुंह पे तेजाब डाला हुआ है, दांत टूटे हुए है, हाथ पैर में रस्सी से बांधने के निशान मैंने खुद देखे, और पुलिस वाले हमारा केस बिल्कुल बंद कर दिया है, हमको इंसाफ नहीं दिला रहे, और आरोपी को तो फरार कर दिया, छोड़ दिया है उनको। अब हम कहाँ जाए, अब इंसाफ के लिए हम यहाँ पे आए थे तो इन्होंने भी हमारे साथ गाली ऐसा सब दे के हमको बाहर निकाल दिया, हम इंसाफ के लिए कहाँ जाए आगे। मुझे बस अपनी बहन को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाओ बस। प्रिया शर्मा वागोड़िया तालुकाना अमलियारा गाम में एक दीकरी 5 महीना पहला केनाल नी अंदर डूबवा थी एनु मौत थयो हतो एवुं बतायुं, त्यारे अमे कीधुं के आ हत्या थई छे अने परिवार लोकोए कीधुं के आ हत्या छे, परंतु ज्यारे आ रजूआत 5-5 महीना थई गया दीकरीने न्याय नतो मळतो, आजे अमे लोको पोलीस कमिश्नरने आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या। ज्यारे आवेदन पत्र आपवा गया ત્યારે કમિશનર સાહેબ તો જાણે અમે ગુનેગાર હોય, આ લોકો આરોપી હોય એવી રીતે અભદ્ર ભાષા, જેને કહેવાય કે ગાળો, લિટરલી ગાળો શબ્દ કહી શકું છું કે એકદમ ગંદી ગાળો બોલી અને અપમાનિત કર્યા છે। હું કમિશનર સાહેબને કહું છું કે ઘરની દીકરી ગઈ છે, કોઈની બહેન ગઈ છે, અને એ અને મહિલાઓ સામે તમે આવી ગાળાગાળી કરો એ કેટલું અશોભનીય વાત છે કે તમારો ઊંચો હોદ્દો છે, અને એ છતાં પણ આજે કાયદાનો રક્ષક જ્યારે ભક્ષક થઈ જાય છે ત્યારે વડોદરા શહેરની અંદર મને એવું લાગે છે કે આના જેટલો કાળો દિવસ કોઈ ના હોય, અને આ મહિલા બચાવવાની વાતો માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હર્ષ સંઘવીને હું કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે પાર્ટીનું રાજકારણ છોડ દો, પણ એ ગરીબ દીકરીને ન્યાય આપવાનો હોય ત્યારે તમારે પણ ફરજ છે કે આવા આવા જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ બેફામ બોલતા હોય એને તાત્કાલિક અસરથી દૂર કરવા જોઈએ।